दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। आज से करीब 5 साल पहले की बात है। मैं अपने परिवार के साथ मुंबई से पुणे जा रहा था। रात का समय था, जल्दी पहुंचने के लिए हमने एक शॉर्टकट के रास्ते से जाना ज्यादा सही समझा। उस रास्ते से हम पहले कभी नहीं गए, इसलिए मैंने गूगल मैप्स की मदद से उस रास्ते का पता लगाया। वहां पहुंचने पर हमें एक नो एंट्री का बोर्ड दिखाई दिया, पर हमने उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कई बार सुना था कि ये रास्ता छलावे के लिए मशहूर है और शाम के बाद यहाँ पर कोई नहीं आता, मगर हमें पुणे जल्दी पहुँचना था, इसलिए उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही किया। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत हमें दिखाई थी। हमने उससे इस रास्ते के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये रास्ता पुणे की तरफ ही जाता है। हम थोड़ा आगे चले ही थे कि तभी वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। मैंने पापा को जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये मेरा वहम है, पर तभी अचानक मेरे दादाजी को एक काला साया तेजी से हमारी गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी बाइक पर अचानक गन लेकर हमारी गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। वो काफी गुस्से में था, उसने हमें रोकने की भी कोशिश की। इससे पहले कि वो हमें कुछ कहता, पापा ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा ली। थोड़ा आगे चलने पर हमारी गाड़ी अचानक खराब हो गई और बाद में एक अज्ञात शख्स हमारी गाड़ी का दरवाजा खटखटाने लगा और बोला, साहब मैं अंधेरे में रास्ता भटक चुका हूँ, क्या आप मुझे पहुँचा देंगे? मैं एक कार मैकेनिक हूँ, आप चाहें तो मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ। गाड़ी ठीक करने के बाद पापा ने उसे हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा दिया। रास्ते में वो हमसे कहने लगा, साहब ये रास्ता छलावे के लिए मशहूर है, यहाँ से रात के वक्त गुजरने पर कई लोगों की मौतें हुई हैं। वो छलावा किसी भी मृत व्यक्ति का रूप लेकर यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भटका देता है और बाद में उन्हें मार डालता है। शुक्र है कि आप उस मोटरसाइकिल पर सवार उस आदमी से बच गए, वो एक छलावा ही था, अगर आप कुछ देर और रुकते तो वो आपको मार डालता। रास्ते में थोड़ा हल्का होने के लिए हम सब रुके और जब मैं वापस गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने देखा कि उस आदमी की लाश खून से लथपथ हमारी गाड़ी में पड़ी है। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन जब तक मेरे मम्मी पापा आए वो लाश वहां से गायब हो चुकी थी। डर के मारे हम सब गाड़ी में बैठे और वहां से तुरंत भाग निकले। तभी हमने देखा कि रास्ते में एक माइलस्टोन जिसमें लिखा था पुणे 33 किलोमीटर बार बार हमारे रास्ते में आ रहा है, इसलिए मेरी बड़ी बहन कविता ने गाड़ी से उतरकर उस पर एक निशान लगा दिया। पर हमने देखा कि हम घूम घाम कर वापस उसी माइलस्टोन के पास पहुंच जाते हैं। हम कुछ देर के लिए वहीं पर रुके और तभी कुछ ही दूर हमें एक रोशनी दिखाई दी। हमें पता चला कि वो एक चाय की दुकान है, वहां हमने कुछ खा पी लिया। तभी मेरी माँ को एक आइडिया आया, उन्होंने कहा कि छलावा हमारी आंखों को धोखा दे सकता है लेकिन मोबाइल के कैमरे को नहीं, और उन्होंने मोबाइल से हम सब की फोटो खींची तो जो हमने देखा उससे हम सब के होश उड़ गए। हमने देखा कि उस तस्वीर में चाय की कोई दुकान थी ही नहीं। हम लोग फटाफट वहां से भाग निकले और अपनी गाड़ी के पास वापस आ गए। उतने में मोटर बाइक पर सवार वही गन वाला आदमी हमारे पास आ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, मैंने आपसे मना किया था ना कि इस रास्ते से मत जाओ, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, क्या आपने उस रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा? इतना कहकर उसने हमें अपने साथ चलने को कहा, लेकिन तभी मेरी बड़ी बहन कविता कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी। वह नजरें मिलाकर बात नहीं कर रही थी, उनकी आंखों में मैंने कुछ शैतानी चीज देखी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता वो अचानक अंधेरे में गायब हो गई। हम उसे ढूंढने लगे तो उस पुलिस वाले ने
हमें गन पॉइंट पर रोक लिया और कहा कि ये छलावे की एक चाल है, वो आप सबको अलग करेगा और फिर एक एक करके सबको मार डालेगा। वो कविता नहीं बल्कि उसके रूप में एक छलावा ही था। आप सब मेरे साथ चलिए। लेकिन मेरे दादाजी ने उसकी बात नहीं सुनी और कविता को ढूंढने निकल पड़े। वो पुलिस वाला हमें अपने थाने ले आया। वह बोला, अब आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। दरअसल जिस आदमी को आपने लिफ्ट दी थी उसकी मौत आज से एक हफ्ते पहले एक्सीडेंट में हो चुकी है। ये सुनकर हम लोग बेहद चौंक गए। तभी हमने दादाजी को वहां आते हुए देखा, लेकिन उनका बर्ताव देखकर हम सबको कुछ अजीब लगा। कविता की तरह वह भी हमसे आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहे थे। हमने फटाफट दरवाज़ा बंद कर दिया और मम्मी ने मोबाइल फ़ोन से जब दादाजी की तस्वीर निकाली तो देखा उस तस्वीर में कोई नहीं था। हम तुरंत समझ गए कि अब छलावे ने दादाजी का रूप ले लिया है। उतने में कविता भी हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ पहुंची। शुक्र की बात यह थी कि वो बिल्कुल सही सलामत थी। उसने कहा कि जब हम लोग चाय की दुकान से भाग रहे थे तब वह अचानक अंधेरे में रास्ता भटक चुकी थी और किसी तरह हमें ढूंढते हुए हमारे पास आ पहुंची। अगली सुबह उस पुलिस वाले की मदद से हम वहां से निकलने में कामयाब रहे। लेकिन उस माइलस्टोन के पास जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी वहां हमें दादाजी की लाश मिली। इस हादसे में मैंने अपने दादाजी को खो दिया। साथ ही साथ जिस पुलिस वाले ने बचने में हमारी मदद की थी उसको बाद में फिर कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।